मुझे तो सब जानते ही हैं। और आज दिन संडे है, टाइम हो रहा है 12:30, तो मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। और ब्रूनो को जाना है बाहर, तो बहुत रो रहा है ब्रूनो, बहुत शैतान हो गया, बहुत शैतानी करने लगा है बाहर जाने के लिए, इतना ज़्यादा परेशान करने लगा है। दो दिन तो इसने इतनी शैतानी करी, इतना नुकसान कर दिया, पूरे पर्दे फाड़ दिए, विंडो का भी फाड़ दिया, गेट का भी फाड़ दिया, दोनों पर्दे फाड़ दिए सिर्फ बाहर जाने के लिए, बहुत बदतमीजी करने लगा है ये। तो ये देखिए मेरे हो गया यहाँ पे पिंपल, ये हो गया है। तो आज मैं बहुत टाइम बाद अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मैं जा रही थी लंच बनाने, तो आज संडे है तो आज कुछ नॉनवेज ही बनेगा, तो मैं जा रही हूँ नॉनवेज बनाने। तो चलिए मेरे साथ किचन में। तो फ्रेंड यहाँ देखिए मैंने दो टमाटर लिए हैं, 7-8 लहसुन, 6-7 हरी मिर्च, अदरक और 8-10 प्याज काट लिए हैं, और टमाटर हरी मिर्च इसको मैं जा रही हूँ ग्राइंड। और यहाँ पर देखिए ये है मटन कीमा, इसको मैंने धो के रख दिया है ताकि इसका जो पानी हो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। फ्रेंड्स ये बताइए क्या है, ये है सनई का फूल, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो इसी कीमे के साथ ही इसको ऐड करना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, ये ऑयल गरम हो गया, तो यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, और साथ ही मैंने सारा प्याज पूरा ऐड कर दिया है, और प्याज के साथ ही मैंने कीमा ऐड कर दिया है, पानी भी डाल दिया है थोड़ा सा, और साथ ही नमक डाल दिया है ताकि ना थोड़ा सा गल जाए। यहाँ पर देखिए बीच बीच में इसको चेक भी करते जाना है ताकि इसका पानी जल जाए तो ये नीचे लगे ना, मटन है ना थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका पूरा पानी जल गया है, ऑयल ऑयल दिखने लगा है इसमें, तो इसमें अब मैं फूल ऐड करूँगी जो मैंने धो के रखे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है सनई के फूल, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मसाले, जो टमाटर अदरक हरी मिर्च लहसुन इसकी जो प्यूरी बनाई थी ना वो मैंने ऐड करी है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैंने धनिया डाली हुई है, पीसी धनिया 1 से 1.5 चम्मच, और यहाँ पर डाल रही हूँ ये गरम मसाला 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर के इसी के साथ ही मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना तो ज़्यादा तीखी नहीं रहती, इस वजह से मैंने इसको 2 चम्मच डाल दिया है। यहाँ पर मिक्स में जो मसाला था उसमें पानी में मिलाकर मैंने वो डाला है, और इन मसालों को मैं अच्छे से ऊपर नीचे कर दे रही हूँ ताकि पूरा कीमा और फूल में अच्छे से ये मिक्स हो जाए, और इसको ना धीमी गैस पे, स्लो गैस पे छोड़ देना है, ढक्कन डाल देना है, और इसको अच्छे से मसाला इसका पकने देना है, जितना अच्छा मसाला उतनी अच्छी सब्ज़ी, तो वही चीज़ करनी है। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, तो मैं पहले भी कीमा में थोड़ा सा नमक ऐड कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसे डाल रही हूँ, और यहाँ पर ढक्कन ढक देना है, और उसके बाद स्लो गैस पे छोड़ देना है।
और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, साथ ही मेरी सब्जी पूरी बन के हो गई है रेडी। देखने में कितनी सुंदर लग रही है ना, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा है इसका। फ्रेंड हो चुकी है शाम और शाम के बज रहे हैं 6:15 और आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया दोपहर में आराम करने का, क्योंकि मैं लंच के बाद लाइव आ गई थी। लाइव ज्वाइन करने के बाद जब मेरा लाइव का एंड हुआ तो मतलब कंटिन्यू फ़ोन आते गए, एक फ्रेंड की कॉल आ गई, फिर वर्षा दीदी का फ़ोन आ गया तो उन लोगों से बात होती रही। फिर ऐसे बात करते करते इतना टाइम हो गया कि चाय का टाइम हो गया, तो मेरी इधर बन रही है चाय, तो मैं जा रही हूँ मम्मी को चाय देने। मम्मी को चाय देने के बाद मैं खुद पीऊँगी चाय, फिर थोड़ा सा ना रेस्ट करूँगी। और ब्रूनो बाहर घूम रहा है अभी, दौड़ते दौड़ते आए ना, मैंने वेट किया क्या हो गया इसको, तो जा रही हूँ चाय देने मैं मम्मी को। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, मैं जा रही हूँ चाय पीने। और मुझे ना खाली चाय पसंद नहीं है, तो चाय के साथ मैं खाऊंगी नीमकी, मुझे बहुत अच्छी लगती है नीमकी, खाने मुझे बहुत पसंद है। इसको खाते में फिर बिल्कुल टेस्ट आता है, नमक पारे होते हैं ना, इस तरीके का पूरा टेस्ट आता है। मुझे चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए ही होता है शाम को, मुझे खाली चाय पसंद ही नहीं है। मैं जा रही हूँ चाय पीने, तो आप लोग भी आ जाइए पी लीजिए मेरे साथ शाम की चाय, एंजॉय करिए। मेरा चाय गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने का वेट कर रही हूँ चाय का, चाय ठंडी हो जाए तो मैं पीती हूँ। और पूरा बढ़िया मज़े से घूम रहा है बाहर, मम्मी को मैं चाय दे रही हूँ, तो आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, ज़्यादा थक रही हूँ, घर में सिर्फ बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ चाय पीने, चाय पीकर मिलती हूँ। ये देखिए ब्रूनो जस्ट अभी अभी घूम कर आया है बाहर से, और बाहर से घूम के आने के बाद इसने सैनिटाइजर से अपना पूरा हाथ पैर मुंह सब अपनी पूरी बॉडी साफ करवाई है सैनिटाइजर से, उसके बाद इसने पूरा अपना हाथ मुँह धुलवाया है, तब जाके ये बिस्तर पे सो गया है, थक गया है। मतलब 1.5-2 घंटे बाहर खेलता रहा ना, इस वजह से ये थक गया है, तो ये सो गया है। और के काफ़ी फ्रेंड्स बन गए हैं ना बाहर, तो इसको अब अच्छा लगने लगा है जाने में, बाहर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलता है। पहले क्या था, पहले ऐसा होता था ना कि मतलब जैसे होता ना बाहर के डॉगी किसी दूसरे नए डॉगी को देखते हैं तो सब भौंकने लगते हैं, तो पहले ही डरता था, अब इसका पूरा डर हो गया पता, क्योंकि इसने सबको दोस्ती अपनी कर ली है, तो इसका डर पूरा खत्म हो गया है। तो ये देखिए बेचारा बहुत थक गया है, तो सो गया है। तो फ्रेंड इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड, क्योंकि इतना कुछ खास ब्लॉग था नहीं आपने देखा, बस यही घर का खाना पीना यही रूटीन था, इसलिए कुछ खास ब्लॉग में था नहीं। और मैं इस वीडियो को कर रही हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट